वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने घर को कैसे बहुत ही आसान तरीकों में डेकोरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर पे कटिंग करने से क्या होता है, आपका जो फैब्रिक है वो बच जाता है और गलत भी नहीं कटता है। आपको जो भी गलत कटना होगा वो पेपर पे कटता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बताऊँगी वो है स्क्वायर क्वेश्चन। मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताऊंगी। पहला क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो स्क्वायर क्वेश्चन है। तो स्क्वायर क्वेश्चन के लिए आप जितना भी लंबाई ले सकते हैं, जैसे मैं अभी जस्ट 13 ले रही हूँ, जैसे मैं 13 ले रही हूँ, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप भी 13 लें। आप जितना बड़ा लेना चाहते हैं, जितना छोटा लेना चाहते हैं, वो अपने अनुसार रख लें। पर यह ध्यान रखें कि आप जितना चौड़ाई में ले रहे हैं उतना आपको लंबाई में भी लेनी है। जैसे मैं इधर से 13 ली हूँ तो इधर से भी 13 लूँगी, इस तरीके से 13 लेके इसे इस तरीके से मिला लेना है और कट कर लेना है। सो व्यूअर्स, ये हो जाएगा स्क्वायर क्वेश्चन। स्क्वायर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है। चलिए अभी से हम कटिंग कर लेते हैं स्क्वायर क्वेश्चन। सो व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी है पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप अच्छे फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे आप वेलवेट का यूज़ कर सकते हैं और कॉटन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन 1 रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन 2 बनाते हैं। चलिए सो व्यूअर्स, क्वेश्चन 2 के लिए क्या करेंगे हम। क्वेश्चन 2 बहुत ही ईजी है व्यूअर्स, इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ़ होने वाला नहीं है, पर ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो जैसे मैं 13 ले रही हूँ, देख सकते हैं, मैं 13 इसमें भी 13 ले रही हूँ, इधर से भी 13। ज़रूरी नहीं आपको जितना लंबा चाहिए, आपको जितना छोटा चाहिए आप वो रख सकते हैं, पर वही ध्यान देना है कि आप जितना चौड़ाई ले रहे हैं उतना लंबाई भी लेनी है, तभी आपका स्क्वायर कहलाएगा। इस तरीके से आपको इसमें आपको 2 काट के रख लेना है। इस तरीके से आपको 2 फैब्रिक, क्वेश्चन 2 में आपको 2 फैब्रिक कट करना है फ्रंट के लिए। क्वेश्चन 1 में 1 फैब्रिक फ्रंट के लिए कटिंग करना था, और क्वेश्चन 2 में आपको 2 फैब्रिक इस तरीके से कट कर लेना है, ये पहला, और जब मैंने काटा दूसरा, तो पहला जो होगा वो आपका मेन फैब्रिक हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो आपका अस्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को ही आपको, देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करना है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और एक बार इस तरीके से। स्वीट्स में आपको आइडिया दे दे रही हूँ, आप इस तरीके से और भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीका, ये तरीके को अपना के। आगे में बस छोटा सा हल्का सा गोल करना है, और जो अब पहला डिज़ाइन जो बना रही हूँ ये मैं एक लीफ के जैसे डिज़ाइन बना रही हूँ, तो आपको देख लेना, आप पहला जो डिज़ाइन बनाया है उसे आप मेज़र कर ले कि कितना है। जैसे ये 3 है, तो अब हमें ये साइड भी अपोजिट में भी 3 रखना है, जिससे क्या हो ये बराबर लगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे, ये थोड़ा सा यहाँ है तो ये नीचे हो जाए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। स्वीट सी एक छोटा सा आइडिया है आप लोग के लिए, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें और भी डिज़ाइन अपना क्रिएटिव कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाला लुक आएगा, देख सकते हैं जैसा आ रहा है अभी। तो व्यूअर्स, ये आपका मेन फैब्रिक हो जाएगा, पर इसके नीचे जो आप रखेंगे वो आपका अस्तर, आप कोई भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं जिससे ये अट्रैक्टिव खिल के बाहर आइए जो फ्लावर है वो। जैसे मैं ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन डालने वाली, मैं दिखाऊंगी अभी आपको व्यूअर्स कैसे ये होगा। तो ये क्वेश्चन 2 हमारा रेडी हो चुका है, एंड क्वेश्चन 3 भी बहुत ही इजी है व्यूअर्स। क्वेश्चन 3, ये सब व्यूअर्स बहुत ही आसान तरीका है ये, पर देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो क्वेश्चन 3 के लिए चलिए पेपर ले लेते हैं। सो व्यूअर्स, क्वेश्चन 3 भी वैसी टाइप से है जैसे मैं एक हार्ट शेप आप बना सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, टू फोल्ड ले कर ले कपड़े को और इस तरीके से हार्ट शेप बना लें। सो व्यूअर्स, मैं पेपर पे इसलिए करने बोल रही थी ताकि आप जब बनाएं कुछ भी तो वो आपका गलत हो तो पेपर पे ही गलत हो, आपका फैब्रिक पे गलत ना हो। इस तरीके से आप एक हार्ट शेप बना लें, ये बहुत ही ईजी है व्यूअर्स।
और देखने में भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये सब बहुत आसान भी है और देखने में भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। सो व्यूअर्स देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक हार्ट शेप बना सकते हैं। सो व्यूअर्स मैं आपको एक कुशन सिल्क के भी दिखाऊंगी, तो देख सकते हैं। अब मैं इसे फैब्रिक पे कट करके रख के कट कर लेती हूँ। चलिए फैब्रिक पे रख के कट करते हैं। सो व्यूअर्स देखिए, मैंने फैब्रिक कट कर लिया है, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको स्टिच करना ही बहुत ही आसान है। जैसे आप जो सीधा सीधा साइड है उसे आप इस तरीके से रख लें, सीधे सीधे साइड को एक तरह से इस तरीके से रख लें। और इसे इस तरीके से स्टिच करना है, पूरे पे बराबर रख के स्टिच करना है। और आपको थोड़ा सा छोड़ना है, एक इंच आपको इस तरीके से इस जगह पे छोड़नी है। चलिए हम इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं, मैंने चारों ओर स्टिच कर लिया है, बस यहाँ पे एक इंच छोड़ दिया है। और आपके जो ये हार्ट का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हल्का सा हम इस तरीके से कट लगाएंगे, जिससे हम जब पलटे तब ये आराम से हो जाए। अब क्या करेंगे, इसे हम पलट देंगे। चलिए इसे हम लोग पलटते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं, हमें इसे पलट लिया है। अब देखिए ये जो इसमें जो छोटा सा छेद है, इस पर हम अभी रुई डालेंगे। सो व्यूअर्स रुई इस तरीके से कर लेना है, उसके बाद हम जो स्पंज हो जाए रुई, तब इसे हम इस तरीके से इस पर डालेंगे। तो चलिए इस पर रुई हम लोग पहले भर लेते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं, हमने इसमें रुई डाल के इसे भर लिया है, बहुत ही अच्छा भर चुका है। सो व्यूअर्स अब इसे हम कैसे बंद करेंगे इस छेद को, तो देखिए इस तरीके से हम निडल डालेंगे ऐसे, एक ये साइड और एक ये साइड, इस तरीके से हमें निडल को डालना ऐसे रनिंग स्टिच, ऐसे एक इधर से डालेंगे और एक इधर से डालेंगे इस तरीके से। आपको दोनों साइड से इस तरीके से रनिंग स्टिच ऐसा, एक बार ये साइड राइट तो एक बार लेफ्ट, इस तरीके से आपको दोनों कर लेना है। इस तरीके से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। सो व्यूअर्स देख सकते हैं, इस तरीके से हमें पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इसे खींच दे। जब आप खींचेंगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से ये बंद हो जाती है, देख सकते हैं। सो व्यूअर्स अब इसे हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे और हमारा कुशन रेडी हो गया। देख सकते हैं हमारा जो कुशन है वो बन के रेडी हो गया है। सो व्यूअर्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।